YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच शेयर जिसमें आप इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें से कई स्टॉक्स हैं जो कि काफी भारी डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये पांचों स्टॉक्स फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर के किसी से कर्ज या उधार लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर आप यहाँ पर निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते, यहाँ से जैसे निफ्टी में गिरावट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1000 पॉइंट का गिरावट हुआ, तो कई सारे स्टॉक्स 20% 30% क्रैश हो गए। और वहीं IRCTC जो है वो तो काफी ज्यादा क्रैश हुआ है। तो ऐसे स्टॉक में जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड है, जैसे दीपक नाइट्रेट हो गया, IRCTC हो गया, इस तरह के हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कई सारे स्टॉक है जो 20% से ज्यादा क्रैश हुए, वहां पर आप किसी से उधार लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो आपके देखिए जो कैपिटल होगा उसमें भी लॉस हो जाएगा, तो फिर आप उसको कैसे पे करेंगे। इसलिए कभी भी उधार लोन लेकर के इन्वेस्ट, कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए पहला जो स्टॉक है हमारा वो है डेविज लेबोरेटरीज, काफी बेहतरीन फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से। और यहाँ पर देखिए ये स्टॉक्स जो है काफी सॉलिड है, और गिरावट मार्केट में ये मार्केट के साथ गिरा, लेकिन यहाँ पर देखिए पिछले 2-3 दिन से मार्केट और भी गिर रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा है लगातार। यहाँ पर मार्केट जो है इस गिरावट में, जो गिरावट काफी बड़ी है, लगातार मार्केट फॉल करते जा रहा है डायरेक्ट, और इस गिरावट में ये पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब जो स्टॉक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो फंडामेंटली सॉलिड जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको इसी तरह दिखेंगे। साथ ही साथ जो कंपनी अभी का जो रिसेंट टाइम है, जो कोविड का टाइम है, उसमें से काफी बिजनेस को इम्प्रूव होता हुआ देखने मिला है। तो आप इस फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक के साथ अभी आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स काफी मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो और पॉजिटिव भी दिखा रहा है। अगर यहाँ पर बात करें सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, तो यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट लेवल है, अभी जो रिसेंट सपोर्ट बना रहा है वो है 4985, मतलब आप 5000 का जो लेवल है उसको सपोर्ट मान करके चल सकते हैं। अगर 5000 के नीचे ये क्लोजिंग बेसिस सस्टेन हो जाता है तो वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मेजर सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट हुआ, दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो है 4750 रुपीज, ये इसका मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर तो दो सपोर्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, एक जो हमारा रिसेंट सपोर्ट है, मतलब एकदम शॉर्ट के लिए आप लेते हैं तो ये सपोर्ट हो गया आपका, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो ये आप इस नीचे वाले सपोर्ट को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट आपका काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको देखना है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट में देखिए यहाँ पर पहला जो रेसिस्टेंस है, जो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसे 1-2 डे के लिए लेते हैं, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है पहला वो है 5250 रुपीज, तो ये पहला रेसिस्टेंस हो गया। दूसरा जो इसका रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है 5420 रुपीज, तो अगर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है अपने दूसरे रेसिस्टेंस को तो ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट होगा, जहां से आपको काफी बेहतरीन ये टारगेट दिखा सकता है, और ये टारगेट होगा लगभग आपको यहां से 6000 का, अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है। तो देखिए ऐसे फंडामेंटली जो सॉलिड स्टॉक्स होते हैं वो जब गिरावट में मिले, मतलब जैसे ये स्टॉक गिर रहा है तो गिरावट में आप इसको बाय कीजिए और फिर होल्ड कीजिए, जब स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो वहां पर सेल कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का भी सिनेरियो आप इसमें लेके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं। वही जो दूसरा स्टॉक है वो है गुजरात गैस, गुजरात गैस ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स। और देखिए गुजरात गैस यहाँ पर जो इसका रेसिस्टेंस था, मतलब जहां से रेसिस्टेंस फेस करके स्टॉक्स में गिरावट देखने लगा, वो है 785 रुपीज, 785 से गिर करके स्टॉक्स अपना लो बनाता है 579 रुपीज का, 579 से जबरदस्त आज स्टॉक ने यहाँ पर देखिए तेजी दिखाया है। पिछले लगातार 3 दिनों से यह स्टॉक्स यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा था, मतलब रिवर्सल का संकेत दे रहा था, क्योंकि मार्केट में अभी भी जबरदस्त गिरावट है, उस जबरदस्त गिरावट के बाद इस स्टॉक पे देखिए तेजी देखने मिला है। तो ये होता है फंडामेंटली जो सॉलिड स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस काफी कम दिख रहा है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस है जिसको लेकर के आप चल सकते हैं 579, इसके नीचे ये क्लोजिंग होता है
तो फिर आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटेस्ट होने दीजिए, हो सकता है ये स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ से फिर इसको रिटेस्ट करें, रिटेस्ट करने के बाद फिर रिवर्सल दिखाता है। जैसे यहाँ देखिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रहा था, आप वहाँ पर फिर इस पे स्टेक ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट देखिए काफी बड़ा, अगर पहला टारगेट की बात करें तो पहला जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है उसके लिए होगा 670 रुपीज, उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा ये हमारा इसका ऑल टाइम हाई 785 रुपीज होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिनका व्यू काफी लंबा है, 5 इयर्स का है, तो ऐसे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स को गिरावट में बाय करके रख लीजिए, मतलब हर गिरावट में ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो काफी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। अगला जो स्टॉक है वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ये भी स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, फंडामेंटली काफी सॉलिड है, आने वाले समय में ऐसे भी इंश्योरेंस सेक्टर काफी धमाल मचा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 1655 रुपीज। और यहाँ पर बात करें इसका जो रेसिस्टेंस का बात मैंने कर लिया, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 1440 रुपीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो रीजन है 1440 से लेकर के 1400 का रीजन, ये इसका सपोर्ट रीजन है। और यहाँ पर देखिए जस्ट आज ये काफी गैप डाउन, मतलब नीचे स्टॉक्स आया लेकिन यहाँ से काफी तेज रिवर्सल इसमें देखने मिला। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हुए अपने सपोर्ट के पास है, अगर यहाँ से रिवर्सल का साइन देता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत और ज्यादा यहाँ पर गिरावट मिल सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप गिरावट में इस स्टॉक को ग्रैब कीजिए, मतलब गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में और ज्यादा बेहतरीन धमाल मचा सकता है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, काफी बेहतरीन, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर बनाने के काम करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी ऐसे भी काफी बेहतरीन बिजनेस करती है, जो बिजनेस पे कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस स्टॉक को किसी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं, किसी भी गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इस गिरते हुए मार्केट में देखिए काफी नीचे स्टॉक्स आया लेकिन यहाँ से काफी जबरदस्त जंप देखने मिला। तो जिस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है उसमें आपको इसी तरह देखने मिलेगा कि मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जब गिरावट में मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसको रख लीजिए। अगर बात करें यहाँ पर इसका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, देखिए इसका सपोर्ट जो रीजन है वह है 1430 रुपीज, इसका ये सपोर्ट रीजन है। फिर इसका रेसिस्टेंस रीजन की बात है तो स्टॉक्स अपने रेसिस्टेंस के पास में ही है, 1575 रुपीज इसका रेसिस्टेंस है। अगर वो ये 1575 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो समझिए ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर मैंने आपको जो स्टॉक्स काफी डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है वो भी बताया, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट पे है उसको भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट अगर रिवर्सल करता है, मतलब निफ्टी में हमें तेजी अगर देखने मिलता है, तो यहाँ पर जबरदस्त रूप से इस स्टॉक में तेजी होगा, क्योंकि स्टॉक्स पहले से ही अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। और इसमें आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1700 के आसपास का होगा, तो 1700 से पहले निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर को डिस्कस करने से पहले बता दें, देखिए निफ्टी में लगातार गिरावट हो रही है, और कभी भी आपको बता दें कि लोन लेकर के आपको इन्वेस्ट, कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी में लगातार गिरावट हो रही है, और ये जो रीजन है जहां पर निफ्टी आज क्लोज हुआ ये अब सपोर्ट रीजन आता है। तो सपोर्ट रीजन यहाँ पर हमें निकल के आता है 17600 से लेकर के नीचे का जो लेवल है 17280, ये हमारा सपोर्ट रीजन है। यहाँ पर मतलब इस रीजन से कहीं पे भी निफ्टी रिवर्सल दिखा सकता है। अगर इस रीजन को ब्रेक कर देता है, 17200 के नीचे चला जाता है, तो फिर हम यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं, मतलब तब ये 16000 की ओर निफ्टी जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, जो इसका प्रोडक्ट है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जो है इसका जो सपोर्ट रीजन बन करके आ रहा है वो है 1219, मतलब 1300 जो है इसका सपोर्ट रीजन है। तो 1300 के आसपास का जो रीजन है वो सपोर्ट रीजन है। साथ ही साथ जो ऊपर का लेवल है 1380, ये इसका रेसिस्टेंस रीजन है। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर इस स्टॉक में जबरदस्त मतलब तेजी देखने मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम तेजी की बात करें तो देखिए 1400 के ऊपर जाता है तब हमें तेजी देखने मिलेगा, 1400
जो इसका रेसिस्टेंस रीजन है, तो रेसिस्टेंस रीजन कहां से कहां हो गया, 1375 से लेकर के 1400 तक का रीजन रेसिस्टेंस रीजन है, और जो सपोर्ट रीजन है वो सपोर्ट रीजन है इसका 1300। तो ये स्टॉक्स अभी काफी छोटे से एक रेंज में फंसा हुआ है, जिस और रेंज को ब्रेक करेगा उधर हमें मतलब ये मूव करता हुआ देखने मिलेगा। अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे जो इसका सपोर्ट रीजन है वो है 1215। तो नीचे जो है लिमिटेड है, मतलब इस स्टॉक का जो नीचे आना है वो लिमिटेशन है, उसमें ज्यादा नीचे ये स्टॉक्स नहीं आएगा क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर ये स्टॉक्स जबरदस्त रूप से जाता हुआ आपको देखने मिलेगा। तो इस स्टॉक का नीचे आना काफी लिमिटेड है, लेकिन ऊपर जाना काफी बेहतरीन है, मतलब ऊपर जो है अनलिमिटेड है, स्टॉक्स किसी प्राइस रेंज तक जा सकता है। लेकिन इसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 1500 होगा, 1500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी स्टॉक्स वहां से ये मूव करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू जो है स्टॉक लॉस जो है वो अलग अलग तरह का होगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वह पहली बार आए हैं तो इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।